में, ठीक है। इनका समय काल देख लो, लोधी वंश के सेकंड रूलर हैं आपके ये, और इनका जो समय काल है 1489, मतलब जैसे ही बहलोल मरता है, मरने से और अपने जब अंतिम समय में रहता है, तो अपने बड़े सबसे बड़े पुत्र को तो खो दिया रहता है इसने मंगोल आक्रमण में। उसके बाद से जो सेकंड नंबर का होता है उसे जौनपुर पे बैठा देता है, ठीक, बारबक शाह जिसका नाम रहता है। थर्ड नंबर पे आता है कौन, सिकंदर लोदी, तो इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया रहता है, ठीक है। तो सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड है जो वो नोट कर लो, सभी लोग नोट डाउन कर लो कि इसका जो टाइम पीरियड है 1489 से लेके 1517 तक रहता है ये, किस पे, दिल्ली की गद्दी पर। इसका जब सुल्तान की जब जैसे सुल्तान बनता है तो ये अपने आप को सुल्तान सिकंदर शाह लोधी के नाम से प्रसिद्ध करता है, ठीक है। इसका अन्य नाम जो बचपन का नाम बोल सकते हो वो क्या था, वो था निजाम खां और सिकंदर लोधी, ये इसका नाम था। बाद में ये सिकंदर शाह लोधी बन जाता है जब सुल्तान बनता है तो, ठीक। इनके पिता का नाम सभी लोग जानते ही हो, पिछला लेक्चर मैंने इसी पे ले लिया था, बहलोल लोधी के बारे में। तो ये आपके लोधी वंश के संस्थापक थे। अब आ जाते हैं 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, और इसकी डेथ जो हो जाती है वो कब हो जाती है, 21 नवंबर 1517 में इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गए, इनके पिताजी का नाम क्या था, डेथ कब होती है, और ये सुल्तान की गद्दी पर कब बैठते हैं, ठीक है। अब जब गद्दी पर बैठने की इनकी बारी आई तो काफी समस्या इन्हें झेलना पड़ा। पहले ये कि कुछ जो सुल्तान तो पहले उत्तराधिकारी इसको घोषित कर दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे सरदार थे जो सिकंदर लोदी को सुल्तान बनने से अपोज कर रहे थे। क्यों अपोज कर रहे थे, अपोज करने का कारण ये था कि इनकी जो माता थी वो हिंदू थी, मैंने बताया, और किसकी माता थी, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक की, ठीक है। फिरोज तुगलक की भी माता हिंदी थी, इसीलिए वहां के भी जो आपके कौन धर्म गुरु वाले लोग थे, जो संगठन के लोग थे, वो क्या करते थे, फिरोज शाह को असमंजस की स्थिति में थे कि अगर इसे सुल्तान बना दें तो हो सकता है ये इस्लाम को खतरे में डाल दे। तो वैसे ही यहाँ पर भी सिकंदर की जो माँ थी वो क्या थी, हिंदू थी, एक सोनकार की बेटी थी। इस वजह से कुछ जो आपके बोल सकते हो अफगान जो सरदार थे वो इस असमंजस की स्थिति में थे कि ये कहीं हिंदुओं पर मतलब दयालु ना हो जाए और इस्लाम को खतरे में ना डाल दे। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिसकी जिसकी माँ आप देखे हो कि हिंदू थी, वो सब के सब बहुत ही कट्टर जो है निकलते हैं हिंदुओं के प्रति, ठीक है। मुस्लिमों के प्रति उतने ही दयालु होते हैं और हिंदुओं के प्रति उतने ही कट्टर होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरा ये था कि कुछ लोग जो है जो लोधी के बड़े पुत्र थे जो जौनपुर पे थे, बारबरक शाह, उनके बारे में कहते हैं कि उन्हें गद्दी मिलनी चाहिए, वो सबसे बड़े पुत्र हैं। उसके बाद से कुछ लोग ये भी दावा करते थे, मतलब कई विद्रोह हो रहे थे, कि जो सबसे बड़ा पुत्र था उनका पुत्र था, हुमायूं नाम था, उसे जो है दिया जाए राजगद्दी, ठीक। तो इन सभी चीजों से होते हुए बाद में चल के सिकंदर लोधी को ही दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठाया जाता है। और ये जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो पहले उन लोगों का काम तमाम करता है जो इसके अपोज में थे, उनको दबाता है। जितने सरदार इसके अपोज में थे सुल्तान बनने के, उनको क्या करता है, दबा देता है। और जो अफगान सरदार थे जिन्हें बहलोल लोधी ने काफी छूट दिया था, काफी जमीनें दिया था, उन पे अपना शिकंजा कसना शुरू करता है, उनको कायदे कानून में लाना अब ये ढालता है। कि वो लोग पहले बहुत फर्र फर्र उड़ रहे थे, तो अब क्या करता है, उनको कहता है भैया आप लोगों को इतनी ज़मीनें हैं, उनसे पूरा हिसाब किताब मांगता है कि कितने मंथली आपका इनकम आया, कितना एक्सपेंडिचर आपने किया और कितना आपके पास बचा। अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार होता था तो छोड़ता नहीं था किसी से, ठीक है। पहले ये होता था कि जब बहलोल से सरदार मिलने आते थे तो वो खड़े होके मिलते थे, ठीक है, उनके सामने बैठते नहीं थे गद्दी पर, ये ऐसा नहीं था। उन सरदारों को जब ये सिकंदर जाता था तो वो वेट करते थे लाइन में लगकर कि सरदार मतलब से सुल्तान आ रहे हैं, अब हमें अपने अपने जो जागीर दिया गया है उसका ब्यूरो उनको देना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन इसने ला दिया था उनके जो अफगान के सरदार थे उनके ऊपर। अब ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया था, मगर हाँ एक मेंटेन पावर कर दिया था कि ये लोग सुल्तान को सुल्तान के जैसे ट्रीट करें, ठीक। बुढ़े को आदर सत्कार भी देता था, ऐसा नहीं था कि एकदम मतलब तोप की नोक पे रखता था।
ऐसा कुछ नहीं था। चलिए अब देख लेते हैं इनके बारे में। सिंपल सा बात है कि ये धर्म के प्रति एकदम पूरा का पूरा मुस्लिम के ही प्रति धार्मिक धर्म के प्रसार करता था, हिंदुओं के प्रति एकदम पूरा जैसे देख लेता था उनको, इसका खून खौलने लगता था, इस तरह का ये इंसान था। ठीक है, उसके बाद से ये बहलोल मृत्यु के बाद ये पूरा लोधी वंश को संभालता है, और जो बहलोल की एक तरह से बोल सकते हो सपना होता है कि उसका जो है राज विस्तार का, वो तो कुछ करता ही है करता है, क्योंकि पालम से लेके कुछ दूर तक तो उसे उठाता ही है, क्योंकि जब सैयद वंश का अंत होता है उस समय से दिल्ली सल्तनत पालम तक ही सीमित थी, मतलब दिल्ली तक ही सीमित थी, तो उसे कुछ दूर तक वो ले आता है, मगर फिर बढ़ोतरी आ जाती है और वो भी चल बसता है, जिसके कारण उसके सपने को सिकंदर जो है क्या करता है, सफल करता है, और इस जो सल्तनत की जो सीमा होती है इसे काफ़ी दूर तक ये क्या करता है, बिहार पर भी कब्जा करता है, बंगाल तक भी जाता है अपनी सीमा को लेकर। ठीक, तो ये उसके सपने को साकार करने में लग जाता है। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं। अब पहला जो ये हुआ कि जब किसको बरबक शाह को गद्दी नहीं मिली दिल्ली सल्तनत की, कुछ सुल्तान उसके दावेदार में थे, बाद में जब सुल्तान लोधी बनता है सिकंदर लोधी तो भी शांत हो जाते हैं, कौन भैया सुल्तान से पंगा ले। तो ये क्या करता है बरबक शाह आपका जो होता है वो दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, और उसकी इतनी पावर होती नहीं है, सिकंदर की अच्छी खासी पावर होती है, दिल्ली की सेना उसके पास होती है, तो ये हार मान जाते हैं, और उसको हार मानने के बाद ठीक है रहता तो भाई भाई ही है, तो सिकंदर भी कहता है बड़े बड़े भैया का है टेंशन ले रहे हो, चाहे हम राज करें चाहे आप राज करो, मिल बांट कर खाएंगे, तो आप जो है जौनपुर को अच्छे से संभालो, ठीक है बाकी हम सब देखते हैं। मगर इसे कहाँ, इसे दिल्ली सल्तनत में इसका भी ईगो भाई रहता है, क्लैश कर जाता है, नहीं हम बड़े होकर हम छोटे प्रांत को संभाले और तुम दिल्ली में बैठ के सभी को कंट्रोल करो। ठीक, फिर आक्रमण करता है, बाद में सिकंदर कहता है ये हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं, इनको चपेट दो, फिर बाद में उनको अच्छे से हराता है, कुछ देर तक कैद किया रहता है, फिर बाद में छोड़ देता है, कहता है कि आप जौनपुर को अच्छे से प्रशासन करिए, मगर वो करते नहीं है, फिर बाद में उनसे छीन लिया जाता है जौनपुर भी और दिल्ली के अंतर्गत कर दिया जाता है। ठीक, तो इनके बारे में ये हो गया। अब इनके विस्तार के बारे में देख लेते हैं। विस्तार के बारे में वही पहले जौनपुर को जो उनका भाई था उससे छीन के अपने उसमें मिला लेता है। उसके बाद से क्या होता है, जो जौनपुर का जब बहलोल लोधी जिससे लड़ा रहता है ठीक है, हुसैन शाह जान जो सरकी वंश का राजा रहता है हुसैन शाह, उस क्या करता है वो बिहार में भागा रहता है, वहां से जब उसे खदेड़ता है बहलोल लोधी तो वो बिहार से आकर और सिकंदर लोधी ये दोनों लोग आकर कहाँ बनारस में 1494 में आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सिकंदर का रुख कहाँ बढ़ता है, आपका बिहार की तरफ बढ़ता है कि बिहार को कब्जे में लेना है, बंगाल मतलब बिहार का अगर कब्जे में हो जाता है फिर बंगाल की तरफ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे जाएगा। 1494 में बनारस पे दोनों लोग लड़ते हैं और हुसैन शाह वहां से भागकर जो है आपका पूरा बिहार छोड़कर धीरे से बंगाल की तरफ भाग जाता है, और वहीं से क्या करता है बिहार को अपने दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोधी मिला लेता है। और जैसे वो भागा रहता है तो पहले ही बंगाल के जो सरदार होते हैं उनको चेतावनी दे देता है सिकंदर कि अगर इन्हें अपने अंदर मतलब राज के अंदर प्रवेश दिए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो भी क्या करता है सरदार, वैसे उसे पसंद नहीं रहता है दिल्ली का सुल्तान सिकंदर, मगर डर सबको लगता है। ठीक, तो वो भी डर जाता है कि भैया पंगा फालतू में इसके वजह से क्या पंगा लें, इसको जो है आपका जो हुसैन शाह आ रहा है इसको भगाओ यहाँ से। तो फिर संधि ये भी सेना लेके पहुँच जाते हैं सिकंदर बंगाल के पास, फिर वो बताते हैं आते हैं दोनों लोग के बीच समझौता होता है कि सुल्तान हम किसी को भी जो भी आप मतलब आपका दुश्मन होगा उसको सहायता नहीं प्रदान करेंगे, हम आपके ही अधीन रहेंगे, मतलब अधीन रहने का मतलब कि जो कर हो रहा है जो लाग कटने के बाद है वो सिकंदर तक पहुंचाया जाता था। ठीक, तो यहाँ से आपका बंगाल तक ये पहुँच गए सिकंदर भाई साहब हमारे। उसके बाद से ये अपना वहाँ से वापस आते हैं तो यूपी के एक जगह है तिरहुत, ठीक है यूपी में जगह वहाँ के राजा को हराते हैं और अपने अंतर्गत कर लेते हैं। उसके बाद से एकदम घमासान लड़ाई पे लड़ाई, एकदम एक एक युद्ध एक एक शहर जो है अपने अंदर प्रांत में मिलाता चला जाता है, जैसा नाम रहता है ना सिकंदर तो सिकंदरों वाली हरकत करता है। उसके बाद से फिर नरवर पे चंदेरी पे नागौर पे मंदरेल पर धौलपुर पर इन सभी पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अपना जो इसके बाप का जो सपना था उसे क्या कहता है साकार करता है। अब देख लेते हैं इसको मैप के बारे में कि कहाँ कहाँ इसने किसे किसे अपने कब्जे में अपनी लड़ाई लड़ा। ये मैं ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूँ आपको, ये फिगर में भी दिखा दे रहा हूँ।
और जब ये पूरे राजपूतानों पर आक्रमण किया तो वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए उन्हें कि फिर से ये लोग विद्रोह करके अलग ना हो जाएं, जैसे कहाँ कहाँ किया था, देखो नारौर है यहाँ पे, ठीक है, और बड़ा कर दे रहा हूँ मैं फिगर, आप लोग देख लीजिए, ये नागौर है, ये नारौर है, ये एमपी में है आपका, और ये आपका कहाँ, राजस्थान में, ठीक है, ये धौलपुर है आपका, ये कहाँ है, राजस्थान में है धौलपुर, एकदम बाउंड्री पे पड़ता है यूपी और कहाँ के, राजस्थान की बाउंड्री पे पड़ता है। उसके बाद से आपका ये चंदेरी दिख रहा है ना, ये चंदेरी कहाँ है, आपका यूपी में है, आगरा के पास, ठीक है। और ये सब अपना जब जीत लेता है इन सभी जगहों को, राज्य को, तो अब इसे कंट्रोल भी करना होगा। जब कंट्रोल करना होगा तो क्या किया, वो इसी के आसपास इन सभी नगरों को कंट्रोल करने के लिए, ये चंदेरी मैंने बोला ना आगरा के पास है, तो यहीं आगरा में जो है, आगरा शहर जो है यही बसाता है। कौन बसाता है, सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर को बसाता है, और वहीं अपनी राजधानी जो है ट्रांसफर कर देता है। तो 1504 में सिकंदर लोदी किसे बसाता है, आगरा शहर को बसाता है, ठीक है, और 1506 में दिल्ली से अपनी राजधानी ट्रांसफर करके कहाँ ला देता है, आगरा ला देता है, ताकि ये जितने आपके राजपूत के जो राज्य इसने जीता था उस पे इसका कंट्रोल हो सके, वहां से उसे कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आगरा सिटी को किसने जो है स्थापित किया था, तो कौन था, सिकंदर लोदी था, और कब इसे अपना राजधानी बनाया था, तो 1506 में सिकंदर लोदी ने इसे दिल्ली से अपनी राजधानी क्या किया, स्थानांतरण कर दिया, कहाँ पे, आगरा के लिए कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सिकंदर लोदी से पूछता है, ठीक है, ये देख लिए। अब आते हैं अब ये क्या करता है, इतने आक्रमण करने के बाद फिर ये जो है ग्वालियर पे, इसका ख्वाब रहता है कि ग्वालियर को भी अटैक करके अपने में मिला ले, मगर वो ग्वालियर पे अटैक करता है और सक्सेस नहीं होता है, तो फिर इसका जो ख्वाब होता है वो कौन पूरा करता है, इसका पुत्र करता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो था ये ग्वालियर के समय क्या था, इसके साथ गया हुआ था, तो ये जानता है कि हमारे बाप ने क्या गलती किया और मुझे क्या नहीं करना, इसलिए ग्वालियर पे जो विजय होता है, इस ग्वालियर पर अटैक करने में कौन, बहलोल भी हार जाता है, वो भी नहीं कर पाता है। उसके बाद से आपका सिकंदर आता है, वो भी नहीं कंट्रोल कर पाता, ब्लास्ट में जब सबसे सीख लेता है, अपने दादा से सीख लेता है, अपने पिताजी से सीख लेता है, तो सभी चीजें एकदम अच्छे तरह से तैयारी करके तब ये अटैक करता है, तो इब्राहिम इस पर सक्सेस हो जाता है जब यहाँ ग्वालियर पे अटैक करता है। अब आ जाते हैं थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, सिकंदर लोदी के बारे में, कि भाई इतिहासकार क्या क्या कहते हैं, बोलते हैं सबसे सफल शासक था, योग्य था और उदार शासक था। ये उदार किसके प्रति था, ये जान लो, ये उदार जो था ये मुस्लिमों के प्रति था, ना कि हिंदुओं के प्रति था, ठीक है। बहलोल लोदी जो था वो उदार दोनों के प्रति था, ठीक है। वो क्या करता था, अपने राज्य में कर्मचारियों में जो नियुक्ति करता था वो हिंदुओं की भी करता था, मगर ये ऐसा नहीं था, ये फिरोज तुगलक के कॉन्सेप्ट पे चलता था, ठीक है। तो ये उदार सिर्फ मुसलमानों के प्रति था, कि जो मुसलमान होते थे, जो गरीब होते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी इस टाइप का ये करता था। देख लेते हैं आगे क्या क्या ये करता है, क्यों इसे उदार इतिहासकार बोले हैं, ठीक है। तो सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे सफल और योग्य शासक रहा, ठीक है। दरअसल अपने शासन काल में ये सिर्फ लोदी वंश का विस्तार किया, बल्कि उसे अपने प्रजा की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए, ठीक है। जैसे अफगान नवाबों को नियंत्रण में किया, मतलब बहुत छटक रहे थे जहांगीर लेके काफी मात्रा में, उन्हें अपने नियंत्रण में किया। सिकंदर लोदी के पिता बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के दौरान अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों के रिश्तेदारों में जो बांट दिया था, उसने क्या किया था कि जो बहलोल लोदी था, जितने भी उसके संपत्ति था वो अपने करीबी रिश्तेदार, अपने अफगान जो सरदार थे उन पे बांट दिया था। उसको क्या किया, सिकंदर लोदी ने काफी संघर्ष से उसे फिर से हासिल किया था, उस पूरे जहांगीर को, ठीक है, लड़ाइयाँ लड़के। उसके बाद से आ जाते हैं, देख लेते हैं सिकंदर लोदी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण क्या काम क्या क्या थे, इसने किस किस फील्ड में काम इसने किया था। देखो सिकंदर लोदी ने एक अपने शासन काल में कई महत्वपूर्ण काम किए थे, जिसमें से राज्य के शासन व्यवस्था में काफी सुधार हुआ। सिकंदर लोदी के काम कुछ इस प्रकार हैं, देख लो क्या है। पहला पॉइंट है आपका, ध्यान से देखो, सिकंदर लोदी अपने शासन काल में कृषि व्यवस्था में सुधार करने के भी काफी सराहनीय प्रयास किया। उसने अनाज से चुंगी जो कर लगता था, चुंगी उसे हटवा दिया, कई
कैसे सुधार किया भाई, इसने जो चुंगी कर अनाज पे लगता था उसे हटा दिया, और इससे क्या हुआ, जो आपके खाने पीने की वस्तु थी वो क्या हो गई, सस्ती हो गई। जब सस्ती हो गई तो जनता के लिए क्या होगा, कोई भी चीज़ सस्ता में उपलब्ध होगा उसके लिए तो सुल्तान क्या हो जाएगा, ईश्वर के प्रति हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो वही हुआ, इसने क्या किया, जो भी आपका कर लगता था उसके व्यापार का आंतरिक कल जो कर था उसे क्या किया, हटा दिया, जिसके कारण जो आपके क्या हुए, सभी सामान सस्ते हो गए और लोगों को एबिलिटी जो है कम पैसे में होने लगी, तो उसे ईश्वर के दर्जा देने लगे। इसीलिए जब यह मरता है तो काफ़ी लोग दुख होती है, जो इनकी जनता होती है दिल्ली की, सिकंदर लोधी के मरने के बाद बहलोल से ज़्यादा दुख प्रकट करते हैं ये लोग, ठीक है। इसने क्या किया, जो जकात कर लगता था ये किस पे लगता था, मुस्लिमों पे लगता था, इसे भी हटा दिया। और इसने और क्या किया, इसने जितने भी गरीब लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था उनके लिए क्या किया, खाने पीने की व्यवस्था भी कराया था, कि जो लोग अगर खाने पीने में मतलब ऐसा नहीं उनके अर्निंग नहीं है कि वो खाने पीने भर का भी कमा सके, तो उनके लिए फ्री में जो है एक तरह से बोल सकते हो खाने पीने की व्यवस्था भी किया था। और आ जाते हैं, और इसने क्या काम किया, सिकंदर लोधी ने अपने शासन काल में भूमि को नापने के लिए, ठीक है, एक तरह से यूनिट निकाला। वो कौन सी यूनिट था, कैसे नापा जाए, गज ए सिकंदरी, ठीक है, ये यूनिट निकाला कि आप भूमि को नाप सकते हो, उसका नाम दिया गज ए सिकंदरी। इसका मतलब ये होता था, इसके गज ए सिकंदरी में, एक गज ए सिकंदरी में 30 इंच होता था, ठीक है। इससे क्या कर सकते थे, आप भूमि की पैमाइश कर सकते थे, नाप सकते थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछता था कि आपसे भूमि के पैमाइश के लिए नई यूनिट का खोज किसने किया, तो गज ए सिकंदरी मतलब सिकंदर लोधी ने किया था, जो किसके बराबर होता था, 30 इंच के बराबर होता था। सिकंदर लोधी ने अपने शासन के समय में व्यापारिक करों को भी हटा दिया, जो व्यापार के कर लगते थे उसे भी हटा दिया, कड़े कानून नीति के तहत व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया। तो ये सब किया तो इसीलिए ये देवता बन गया था लोगों का, ठीक। उसके बाद से इसका मेन मकसद ये था कि चाहे कोई भी राह चलते भी इसे अगर मिल जाए और न्याय का बोले कि सरदार मुझे न्याय चाहिए, तो उसके लिए हमेशा ये तत्पर रहता था, ठीक है। एक बार बोला जाता है कि किसी मतलब पूरे सेनापति के साथ ये कहीं जा रहा था, तो कोई किसान इसे एक रास्ते में मिल जाता है और उसकी कुछ समस्या होती है और वो किसी सरदार से मतलब न्याय चाहता है कि मुझे मतलब सरदार ने ठगा है, ठीक। तो वो रास्ते में जाते हुए जब उसे किसान मिलता है तो वो सभी जो है लोगों को रुकवा देता है और कहता नहीं, पहले इसकी बात सुन लिया जाए, इसके साथ यहीं पे न्याय होगा, राज दरबार में जाने की जरूरत नहीं, इसी रास्ते में ही हम न्याय कर देंगे इसके साथ। तो वहीं खड़े खड़े उससे बात सुनता है और जो सही लगता है वहाँ पे अपना न्याय जो है दे देता था। न्याय के लिए तो एकदम प्रसिद्ध था कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम आ जाए, 24/7 इसका सर्विस था, ठीक है, न्याय के लिए। तो इसके लिए ये देवता था। उसके बाद से इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि ये बहुत मतलब मेहनती व्यक्ति था, ये अपने पूरे जीवन काल में बोला जाता था सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता था, बाकी काम ही काम करता रहता था। तो ऐसे आप लोगों को भी काम करना है, ठीक है, अपने पढ़ाई को लेकर, कि सिर्फ कितना 5 से 6 घंटा सोना है, बाकी सुल्तान लोधी की तरह क्या करना है, लगे रहना है अपने काम में, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, इनके बारे में और देख लेते हैं। इसने अपने शासनकाल में शिक्षा को महत्व दिया, शिक्षा के लिए इसने क्या क्या किया, मदरसे बनवाए, मस्जिद भी बनवाए, ठीक है। उसके बाद से सिकंदर लोधी को फारसी मतलब ये ऐसा नहीं था कि अनपढ़ व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था, इसे फारसी नॉलेज काफ़ी थी। इसने फारसी के आपके जो संस्कृत के जितने भी ग्रंथ थे, चाहे आयुर्वेद के जो ग्रंथ थे, उसको फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम दिया क्या, फरंगे सिकंदरी। ये आपसे पूछता है कि फरंगे सिकंदरी किसका अनुवाद है, तो जितने आयुर्वेद के से ग्रंथ मिले थे उसे जो है नाम दिया था फरंगे सिकंदरी अनुवाद कराने के बाद। और ये खुद जो है फारसी का एक तरह से बोल सकते हैं कवि था, जिस जो अपना नाम बदल के कविताएं लिखता था। वो कौन सा नाम था, गुलरुखी के नाम से ये खुद की कविताएं लिखता था, और जो वो कविताओं का संग्रह होता था, एक ग्रंथ जो बनता था, उसे क्या नाम दिया जाता था, लज्जत ए सिकंदर शाही। क्या नाम दिया जाता था, लज्जत ए सिकंदर शाही होता था। किस नाम से लिखता था, गुलरुखी के नाम से ये कविताएं अपनी लिखता था फारसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो फारसी का इसे अच्छा खासा ज्ञान था। अब आ जाते हैं थोड़ा इसके बारे में, इसे क्यों जो है कट्टर बोला गया, कि ये मुस्लिमों के प्रति दयालु था, हिंदुओं के प्रति कट्टर थी इसकी नीति, क्योंकि इसके कुछ कारनामे थे जो इतिहासकार बताते हैं। कारनामे क्या थे, कि ये जब ये यहाँ पे आपका जितना भी राजस्थान के आसपास
आपके मध्य प्रदेश में जितने आक्रमण किए, तो आक्रमण करते समय वहाँ के जितने भी मंदिर थे इसने क्या किया, तोड़वाया, वहाँ से धन प्राप्त किया। तो इससे ये कहा गया कि ये हिंदुओं के प्रति एकदम ही दयालु नहीं था, एकदम कट्टर था हिंदुओं के प्रति, क्योंकि उनके क्या किया, सभी मंदिरों को नष्ट करा दिया। ठीक है, और ये भी बोला जाता है इसने ज्वालामुखी मंदिर जो मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में है, उस मंदिर को फिर से गया तोड़ा, और तोड़ने के बाद उसे जो छोटे छोटे जो टुकड़े हुए वो कसाईयों को दे दिया, किसके लिए, मांस तोड़ने के लिए दे दिया, ये कहा जाता है। ठीक, तो समझ सकते थे वो कितना ये कट्टर प्रवृत्ति का इंसान था। ठीक, उसके बाद से सिकंदर लोदी क्या हुआ, ये ऐसा नहीं था कि हिंदुओं पर ही रोक लगाया था, ये मुसलमानों पर भी कुछ रोक लगाया था, जो औरतें थी जैसे फिरोज शाह तुगलक, जो जो मतलब क्राइटेरिया लाया था ना, कि उसने भी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जो औरतें थी अपने जो धर्म गुरु थे उनको खुश करने के लिए क्या किया था, कि जो औरतें मजारों पे जाती थी, ठीक, मस्जिदों में जाती थी, उन पर रोक लगा दिया था, सेम उसने भी यही किया। ठीक है, सिकंदर लोदी ने भी सेम उसी के फंडे पे, उसी के रास्ते पे चला, ये भी क्या किया कि जो औरतें आपके पीरों पे जाती थी, मजारों पे जाती थी, उन पर रोक लगा दिया। ठीक, उसके बाद से और मुसलमान जो, ठीक है, मुहर्रम मनाते थे, जो तजिया निकलवाते थे, उन पर भी रोक लगा दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, इस पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछता है हर बार वनडे एग्जाम में आपसे, यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने मुहर्रम और तजिया निकालने पर रोक लगा दिया था, तो ये याद रखना सिकंदर लोदी था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है वनडे एग्जाम के लिए, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता ही और बनता भी है, हर बार पूछा भी गया है। उसके बाद से इसने और क्या किया, इसने अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, भाई साहब, ठीक है, मुसलमानों में ये क्या होता है कि ये प्रथा होती है कि दाढ़ी रखी जाती है, मगर ये अपने आप को सुंदर रखने, अपने हिसाब से कानून जो अपने बना दिया, क्योंकि सुल्तान था, जो अपने बना दिया वही कानून, तो अपने हिसाब से ये अपने को सुंदर दिखने के लिए कभी भी दाढ़ी नहीं रखता था, ये ऐसा सुल्तान था कि जो दाढ़ी नहीं रखता था। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ इनके बारे में, कई महान विद्वान इसके जो है सिकंदर लोदी के काल में जो है संरक्षण प्राप्त किए थे, ये भी आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा विद्वान जो है किसके शासनकाल में संरक्षण प्राप्त किए थे, तो वो कौन था, सिकंदर लोदी था। आगे बढ़ जाते हैं, इसके बारे में एक बार और बात है कि इससे एक छोटा इसका भाई होता है सिकंदर लोदी का, तो जब सब लोग इसके मतलब अनकंट्रोल देखते हैं कि इसका बिहेवियर जो है बहुत अजीब सा है, बहुत मतलब कट्टर है, और जो अफगान जो सरदार थे वो भी सोचते हैं कि हमारे पर भी नियंत्रण कर लिया है, तो क्यों ना हम किसी ऐसे को चुने, इसका सत्ता पलट कर दें, कि जो हमारे जो बहलोल जैसी हमारी पावर थी जिस टाइम में जो था वैसा पावर हो जाए, तो क्या करते हैं सब, सबके सब सरदार अफगानी जो सरदार होते हैं कुछ कुछ तो जानते हैं कि सिकंदर के साथ ही रहना हमारा क्या है, भलाई है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो जानते ही हो कि उनको पहले से ही इतनी जहांगीर मिली रहती, फिर बाद पे उस पर कोई धन दौलत मिला रहे, उस पर कोई कंट्रोल कर ले, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छिन रहा है, तो वो क्या मर करते हैं, कम से कम बोला जाता है 22 सरदार ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, इसके सबसे छोटे भाई को भला फुसला कर कहा कि ऐसा है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम सिकंदर के साथ युद्ध छेड़ दो। ठीक है, अब वो क्या करता है, इतना सीधा रहता है बेचारा वो, क्योंकि वो अपने गुरुओं की बात जो है, अपने जो उनके माता पिता सिखाए होते हैं, वो कहता है कि माता पिता और जो गुरु कहते हैं उनकी बात माननी चाहिए, मतलब कोई भी बात हो तो अपने बड़े लोगों से शेयर करो। अब इतना सीधा इंसान रहता है, जब उसे पता चलता है कि हमें भाई इन इन सरदारों ने हम उसे ऐसी जो बात की है, वो जाके अपने बड़े भैया से बता देता है, सिकंदर लोदी से, कि भैया हमें आज सरदारों ने बुलाया था और ऐसे ऐसे कह रहे थे, तो कहें अच्छा ठीक है छोटू रुको अभी हम देखते हैं सरदारों को। अब उस 22 सरदारों को बुलाता है और 22 सरदारों का क्या करता है, सर जो है धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद से भैया किसी की हिम्मत नहीं होती है कि सिकंदर लोदी के सामने विद्रोह की बात करें। ठीक है, तो इसका राज उस समय से बात क्या होता है, एकदम मेंटेन वेल में चलने लगता है, फिर कोई विद्रोह इधर होता नहीं है इसके शासनकाल में। अब आ जाते हैं इसके बारे में, ठीक है, ये अपना मरने से पहले अपने पुत्र किसको, इब्राहिम लोदी को अपना उत्तराधिकारी, जो पहले ही बता देता है कि मेरे मरने के बाद जो है इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, उसके बाद से अब आ जाते हैं इनके लास्ट समय पर, जब इनकी मृत्यु होती है, कि कैसे मर जाते हैं भैया,
इन्हें भी कहा जाता है कोरोना हो गया था। आज का जो टाइम में कोरोना चल रहा है, उनको भी कोरोना पकड़ लिया था। हुआ क्या था, ये ना कहना कि सर बोलें कि कोरोना उस समय कहाँ आ गया, अरे लक्षण कुछ ऐसे कोरोना वाले ही थे। इब्राहिम लोदी को क्या हुआ कि गले में जो है इनके खलास खराश हो गई, जिसके कारण धीरे धीरे इनकी तबीयत जो है बिगड़ती गई। जैसे आजकल के होता है, पहले गला पकड़ता है, फिर बुखार आता है, फिर सीधे परलोक सुधार जाना, मतलब जो एजेड हो जाते हैं। तो ये भी सिकंदर साहब अपनी ज़िंदगी जी चुका था। तो जब इसे गले में खराश होता है और कुछ समय बाद इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद इसका जो पुत्र होता है, क्या नाम रहता है भैया, इब्राहिम लोदी, ये अपने पिताजी का मकबरा जो है बनवाता है। कहाँ बनवाता है भैया, दिल्ली में लोदी गार्डन है, बहुत फेमस जगह है, जाना जो लोग दिल्ली में रहते हो देख लेना, लोदी गार्डन में इसका मकबरा बनवाया है। वो मकबरा जो है अष्टभुजाकार अलंक मतलब आकार में है, ठीक है, तो ऑक्टोगोनल शेप में है, उस टाइप का ये पहला मकबरा जो है इसने बनवाया था। मैंने बताया फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक के काल में एक बना था, ठीक है। उसके बाद से लोदी वालों में तो मैक्सिमम जो मकबरा बना वो ऑक्टोगोनल शेप का ही मैक्सिमम बना था, ठीक है। उसके बाद से तो पूरा उसका प्रचलन हो गया था ऑक्टोगोनल मकबरे का, ठीक। तो इस तरह इनकी भैया जीवनी समाप्त हो जाती है। उसके बाद से अब आते हैं कौन, इनके बेटे इब्राहिम लोदी, और वो अपना शुरू करते हैं। और इन्हें बोला जाता है कि ये सब पे जो है क्या करते हैं, अपने दादा और परदादा पे, कि ये पर क्या करते हैं, पानी फेर देते हैं। ये इनकी जो नीतियाँ होती हैं, सिर्फ एक जगह सही होता है, आपका ग्वालियर अटैक कोई किसी तरह जीतते हैं। उसके बाद से ये इतना क्रूर हो जाता है इब्राहिम लोदी, मतलब ये तो ठीक था, इसके बाद और एक्स्ट्रा क्रूर हो जाना, तो भैया उसमें क्या होता है, सबका नुकसान होने लगता है। तो वही इब्राहिम लोदी जो है अपने में ही मस्त और क्रूर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। अपने ही उसे धोखा दे देते हैं। दौलत खां क्या करता है, बाबर को निमंत्रण देता है कि भैया अब आओ, और इब्राहिम बहुत अपने पावर का घमंड कर रहे हैं, उनको सबक सिखाओ। तो वही बाबर जो है सिर्फ 13 से 14 हज़ार बोला जाता है सैनिकों के साथ आता है, और इब्राहिम के पास कम से कम 40 से 45 हज़ार सैनिक होते हैं। उसके बाद भी बाबर इन्हें क्या करता है, हरा देता है, वही पानीपत का युद्ध होता है और मुगल वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो अगला हम अब देखेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में अगले सेशन में। तब तक सभी लोग इस लेक्चर को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।